तो फ्रेंड्स, सावन लग चुका है और आप सबको हैप्पी सावन, सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सावन लग चुका है तो मैं मेहंदी लगा रही हूँ, पर दूसरे के अपने नहीं, अपने लगाऊंगी तो शेयर करूंगी। तो फ्रेंड, ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 6 बजे। उठो तभी जो है नाश्ता हो पाता है बच्चों का, क्योंकि लंच भी बनाना रहता है। तो देखिए, मैं कीवी काट के दे रही हूँ बच्चे को, और जो है उसके बाद मट्ठा दूंगी, क्योंकि अभी ये लोग जो है दूध नहीं पी रहे हैं, सुबह मट्ठा ही पीते हैं। तो देखिए, मैं मट्ठा दे देती हूँ। नाश्ता बच्चों को दे दी हूँ, अब मैं इधर जो है मॉर्निंग में लंच के लिए तैयार करूँगी। तो आलू मैं काट लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी आलू की भुजिया सब्जी, क्योंकि अभी और कोई सब्जी टिफिन में देने में ठीक नहीं रहता, क्योंकि हल्दी उल्दी डालना नहीं है। तो आलू की भुजिया बना और फ्रेंड पूरा ब्लॉग देखा करिए प्लीज़, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। कट चुकी है और मैं काट लेती हूँ प्याज, और प्याज हरी मिर्ची और जीरा डाल के तड़का लगा के सब्जी बनाऊंगी मैं। तो आलू कट चुकी है और मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया और डाल दिया जीरा, और ये देखिए अब मैं डाल देती हूँ प्याज मिर्चा। तो इसको थोड़ा सा लाल कर लेती हूँ और उसके बाद डालूंगी इसमें आलू। तो देखिए, प्याज मिर्चा लाल हो गया और आलू मैं डाल दी हूँ। तो हल्दी वगैरह डालना नहीं है, तब इसको मैं ढक दूँगी। तो देखिए, सब्जी हमारी थोड़ी हो गई है, अब इसमें डाल देंगे नमक और इसके बाद थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। तब तक मैं इधर आटा सान लेती हूँ। देखो, तो आटा मेरा सान चुका है, आटा मैं सान चुकी हूँ, अब इधर सब्जी देख लेती हूँ। तो देखिए, सब्जी हमारी हो गई है। अब इसमें थोड़ी सी धनिया डाल दूंगी, टमाटर नहीं डाला है मैंने, क्योंकि रोज़ रोज़ टमाटर भी नहीं अच्छा लगता, कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। तो सब्जी हमारी एकदम तैयार हो चुकी है और अब मैं चलती हूँ रोटी सेक लेती हूँ। तो लंच मेरा फुल तैयार हो चुका है, अब इसको मैं रख दूँगी टिफ़िन में। और ये देखिए, मैं बाहर आई तो कोई आके बैठा है सीढ़ी पे। क्या है ये, आप लोग जानते हैं? वैसे हम लोग क्या इसको सुग्गा बोलते हैं, आप लोग क्या क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। और इधर मिस्टर जी तैयार हो रहे थे, बिटिया को छोड़ने जा रहे थे। तो जूता बाहर ही रखा था, तो देखिए जूते में से क्या निकला है, पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं इस समय बाहर से। बारिश हो नहीं रही, सारे जानवर अंदर ही आ रहे हैं। देखिए, मैगी है, मैगी आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको मैगी बोलते हैं। और ये देखिए, बिटिया तैयार हो गई हैं स्कूल जाने के लिए, पापा की टोपी लगा के, अपनी घड़ी लगा के, घड़ी पहन के तैयार हो गई हैं, पर लगा के इसमें कुछ नहीं जाना है, ना टोपी ना घड़ी। तो ये पहन के पापा टोपी लगाएंगे घड़ी। तैयार कब का हो गए हैं, पर अभी नहीं गए हैं, तो आप जा रहे हैं छोड़ने, तो चलिए बाहर चलते हैं हमें। तो ये देखिए, अब जा रहे हैं बिटिया को छोड़ने स्कूल। तो
फ्रेंड, आप लोगों ने देखा कितनी गर्मी है बाहर, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अंदर। धूप बहुत तेज़ है, एकदम बारिश नहीं हो रही है, गर्मी से एकदम परेशान हो गई थी। देखिए झाड़ू लगा लेते हैं बाहर, देखो पोर्च में कितनी धूप आ गई है। तो झाड़ू हमारी लग चुकी है, हवा खूब चलती है तो धूल भी खूब आती है, क्योंकि बारिश हुई नहीं है तो मिट्टी बहुत उड़ती है अभी। तो आज ये भी जा रहे हैं, इनकी भी यूनिवर्सिटी खुल गई है। तो जब तक ये तैयार हो रहे थे तो मैं कहीं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि जाने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगती। तो झाड़ू लग चुकी है और इनको बोतल दे दी है, चले गए। अब मैं चलिए अंदर चलती हूँ और साग धुल के रखी हूँ। तो आज बनाऊँगी मैं सोया मेथी बैंगन आलू का साग। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको, चलिए काट लेती हूँ पहले। वैसे फ्रेंड, इसके पहले मैं एक ब्लॉग डाली थी जो करीमुआ का साग का था, तो थोड़ा अलग बनता है और ये थोड़ा अलग बनेगा। तो दोनों में डिफरेंट है, पर अच्छा दोनों लगता है खाने में। तो आप लोग देखिएगा कैसे मैं बनाती हूँ। और फ्रेंड, ब्लॉग मेरा कैसा लगता है कमेंट में प्लीज़ बताइए, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नहीं अच्छा है तब भी बताइए, और अच्छा है तो कोई बात ही नहीं, उस पर कमेंट करिए कि अच्छा है। तो फ्रेंड, आज साग काटने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि उस दिन मिस्टर जी थे तो हम दोनों लोग मिलके जल्दी जल्दी काट लिए थे। पर आज मैं अकेली हूँ क्योंकि बच्चे चले गए और ये भी चले गए हैं, तो साग काटने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए इसको काट लेती हूँ, फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ और दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। तो पालक कट चुकी है, सोया कट चुका है, अब मैं काट लेती हूँ बैंगन जल्दी से। तो फ्रेंड, सावन भी लग चुका है और सावन में अगर मैं व्रत रहूँगी तो उसका भी ब्लॉग डालूंगी, तो आप लोग देखिएगा जरूर। मंदिर वगैरह भी साफ करूँगी, जो जो करूँगी तो ब्लॉग बनाऊँगी तो डालूंगी, तो आप लोग मिस मत करिएगा, देखिएगा। तो साग को मैंने मेथी मिर्चा और लहसुन से छौंक दिया था, तो साग हमारा थोड़ा हो चुका है। अब इसमें डाल दूंगी मैं टमाटर और उसके बाद थोड़ा सा नमक। इससे टमाटर डालने के बाद, नमक डालने से टमाटर एकदम गल जाएगा और साग में खूब अच्छा से मिल जाएगा। और ये देखिए चावल हमारा इधर हो चुका है। दाल नहीं बना रही क्योंकि आलू की भुजिया रखी हुई है। तो देखिए साग हो गया है, इसको भूजने के बाद सबके लिए खाना निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड, हमारा खाना हो चुका, सब लोग खा चुके और मैं सो चुकी थी। और उसके थोड़ी देर बाद आई आंटी बुलाने की, चलो मेहंदी लगा दो। तो मैं आई हूँ आंटी को मेहंदी लगाने। तो देखिए मेहंदी कैसी लग रही है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, और एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हैप्पी सावन, क्योंकि सावन लग चुका है, सावन के समय में ही मेहंदी लगा रही हूँ और मैं भी लगाऊँगी। और जिस दिन लगाऊँगी आप लोग उसके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो एक हाथ में उनकी नातिन लगा रही थी, एक हाथ में मैं, इसलिए जल्दी से मेहंदी लग गई। और फ्रेंड, हमारा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में बताइए, और एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।